हेलो दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। तो हम आ चुके हैं कोलकाता, और आपने अगर पिछले वीडियो नहीं देखी है तो पिछले वीडियो देखने के लिए आई बटन को दबा सकते हैं। तो पटना से कोलकाता और कोलकाता से हल्दिया, और हम हल्दिया आ चुके हैं। हल्दिया में हम आपको दिखाने वाले हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। तो दोस्तों, ये जो रास्ते देख रहे हैं वे पोर्ट की ओर जाती हैं, और हम रास्ते पे हैं, पोर्ट की ओर निकल चुके हैं। तो काफ़ी खूबसूरती के साथ ये जगहें आपको देखने को मिल जाते हैं। रोड काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी बेहतर रोड बनाए गए हैं, और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट से एक्सपोर्ट इंपोर्ट किए जाते हैं। बांग्लादेश हो या अलग अलग जगहें हो, अलग अलग जगहों से, अलग अलग देशों से मटेरियल्स लाए जाते हैं, या फिर मटेरियल्स को यहाँ से अलग अलग शहरों में यानी कि इंडिया के अंदर भी भेजे जाते हैं पोर्ट के द्वारा। तो जहाज़ों के द्वारा ये चीज़ें अलग अलग जगहों पे भेजे जाते हैं। अब विदेशों से अलग अलग चीज़ें जो इंडिया के अंदर नहीं होते हैं वे इंपोर्ट किए जाते हैं। यानी अगर कोयला हमारे पास ज़्यादा है तो हम कोयले को बाहर भेजते हैं, यानी इंडिया के बाहर भेजते हैं, और अगर हमारे पास दूसरे मटेरियल्स जैसे जस्ता हो या फिर अलग अलग और भी चीज़ें हो, सिलिकन हो, ये सब चीज़ें हम लोग इंपोर्ट करते हैं, यानी इंडियन गवर्नमेंट इंपोर्ट करती है। तो काफ़ी देख सकते हैं किस तरीके से चीज़ें दिख रही हैं। जैसा ये रास्ता, और यहाँ पे आपको दिखेंगे अलग अलग चीज़ें दिखेंगी, अलग अलग मटेरियल्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पे लाकर जहाज़ों के द्वारा रखे जाते हैं, फिर इसे अलग अलग जगहों पे भेजे जाते हैं। यानी अलग अलग चीज़ों से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, यहाँ से ट्रकें सामान को लेकर जाती हैं यानी भरती हैं, और फिर अलग अलग जगहों पे ले जाकर रखती है। तो ये काफ़ी बड़ा बिजनेस होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। तो देख सकते हैं अलग अलग मटेरियल्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं जो कि रॉ मटेरियल हैं। इसे फिर अच्छे तरीके से बनाकर कंपनीज अलग अलग चीज़ें तैयार करती हैं। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, जो मटेरियल्स इंपोर्ट किए जाते हैं वे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, एक्सपोर्ट किए जाते हैं वो भी देखने को मिल जाएंगे, यहाँ से बाहर जाते हैं, अलग अलग देशों में जाते हैं। तो कोयले के जो डस्ट होती है, डस्ट पार्टिकल होते हैं, वे काफ़ी उड़ते हैं, जिसके कारण ये काले काले जगह जो दिख रही हैं, जो हरियाली सब खो चुके हैं ये जगह, क्योंकि डस्ट के कारण ऐसी हो जाती है। तो देख सकते हैं कोयले किस तरीके से लाए जाते हैं, किस तरीके से ढके जाते हैं। अभी हम ये मटेरियल्स दिखा रहे हैं इस वीडियो में, और अगले वीडियो में हम आपको जहाज़ों के सीन दिखाएंगे, जहाज़ों के पास लेकर चलेंगे, और हो सके तो जहाज़ के अंदर भी जाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगली वीडियो में हम जहाज़ों के पास लेकर चलेंगे और चीज़ों को अच्छे तरीके से दिखाएंगे। तो हमारे वीडियो ऐसे ही देखते रहें, धन्यवाद। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर दबा लें, ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।